वेलकम टू केपी क्लासेज। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करें क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ, ये हमें दे रखे हैं -1, 7 और दूसरा दे रखा है 4, -3, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। और ये हमें क्या दे रखा है, रेशियो। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले कि हम करेंगे कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला लगेगा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, x बराबर m1x2+m2x1, यानी कि 12, 21। हम अगर ऐसे याद रखें शॉर्ट में तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हम रखेंगे तो 12 और 21, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहले m1 आएगा, फिर x2 और m2, फिर x1। अगर x का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर x आएगा, और अगर y का निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर y आएगा। देखो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन x1 माइनस का 1, y1 7, x2 4, y2 माइनस का 3 और m1 2, m2 3, यानी कि जो रेशियो दे रखा है आपका वो m1 और क्या कहलाएगा, m2 कहलाएगा। अब सबसे पहले किसका निकालेंगे बच्चों, x का। तो क्या m1, यानी कि m1 x2 m2 x1, m1+m2। इसे सॉल्व करेंगे तो m1 देखें कितना है, 2 into 4+3 into -1, और यहाँ करेंगे इसको तो 2+3, तो 8 - 3 = 5, 5/5 = 1। ये x की वैल्यू निकल आएगी। y की निकालेंगे तो y के लिए m1 और y2 m2 y1 m1+m2, तो m1 वही 2 into -3+3 into 7 और यहाँ 2, 3, तो -6, 21, ये 5, 21 में 6 जाएगा कितना जाएगा, 15/5 कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे क्या आ जाएंगे, x का तो आ जाएगा हमारा 1 और y का क्या आ जाएगा हमारा 3, यानी कि 1, 3, ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। हम एक कोऑर्डिनेट देखेंगे, पूछा क्या है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन में क्या होता है कि इसको तीन हिस्सों में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमने ए के कोऑर्डिनेट लिख रखे हैं या बी के कोऑर्डिनेट लिख रखे हैं, और देखो जरा एक हिस्सा ये हो जाएगा, दूसरा हिस्सा ये और तीसरा हिस्सा ये, यानी कि थ्री सेक्शन में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, थ्री सेक्शन में डिवाइड हो गया। तो हम क्या निकालेंगे, देखो सबसे पहले कि हम पहले इन दोनों को लेकर इसके साथ में लेंगे, ठीक है। तो x बराबर m2 और x1 m1 x2 और ये m1+m2। अब देखो जरा m2 क्या है, m2 आपका 2 और x1 क्या है तुम्हारा, x1 ये रहेगा 4 प्लस m1 1 और x2 क्या है तुम्हारा, -2 और ये 1+2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 2 और ये 3, 6/3 कितना आ जाएगा, 2। ये पहले का निकल आया। अब निकालेंगे दूसरे का, तो दूसरे का देखो m2 y1 m1 y2 और ये m1+m2। अब देखेंगे m2 वही 2 into अब y1 क्या है, -1 प्लस m1 1 into और ये -3 और यहाँ पर क्या है 1+2, तो -2 - 3 और ये 3, तो कितना जाएगा -5/3 ये वाला। एक तो ये निकल आएंगे हमारे कोऑर्डिनेट। अब देखेंगे दूसरे के लिए, देखो अब देखना हमें इसके लिए, यानी कि इसको हटा देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, अब इसको ले लेंगे, यानी कि ये और साथ में ए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर x, यहाँ ले लेते हैं आगे x,
तो वही एम टू एक्स वन एम वन एक्स टू एम वन प्लस एम टू। अब देखेंगे एम टू, एम टू कितना तुम्हारा वन, ठीक है, और एक्स वन क्या तुम्हारा फोर, वन की फोर से करेंगे ये। अब एम वन टू, ठीक है, और माइनस का थ्री, टू सॉरी माइनस का टू, माइनस का टू, और ये टू प्लस वन, तो कितना जाएगा ये फोर, ये माइनस का फोर, ये थ्री, यानी कि जीरो बाई थ्री जीरो आ जाएगा। अब देखेंगे सी का दूसरा वाई वाला, तो उसमें एम टू वन, वन इंटू माइनस वन, वन इंटू माइनस वन प्लस देखेंगे टू माइनस का थ्री, और यहाँ टू प्लस वन, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का वन सिक्स, ये थ्री, तो माइनस सेवन बाई थ्री। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके आए टू माइनस का फाइव बाई थ्री, इसके क्या है, इसके आए जीरो और माइनस सेवन बाई थ्री, इस तरीके से ऐसे आंसर। थ्री देखेंगे, थ्री की क्या है, थ्री की लेंथ थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है, तो मैं सिर्फ समझा देता हूँ आपको कि इसमें क्या है, हंड्रेड फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, ठीक है, और उसमें क्या है कि दो बच्चे जो हैं वो उसको कर रहे हैं, एक निहार का जो है वन फोर्थ दौड़ रही है सेकंड लाइन में, ठीक है, तो सेकंड लाइन में क्या होगा कि पहला जो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा टू, और दूसरा जो बनेगा हंड्रेड इंटू वन अपॉन फोर, इसको से हम डिवाइड कर देंगे तो टू ट्वेंटी फाइव, ये पहला कोऑर्डिनेट, और दूसरे जो बनेंगे वो लड़की जो है वो एट्थ में, यानी कि एट लाइन में है, और वो भी कितना है तुम्हारा कि वो है इस पर वन फिफ्थ, यानी कि हंड्रेड का वन फिफ्थ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी, तो ये एट ट्वेंटी ये आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और जब दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो क्या करेंगे, अब देखो रहा इसमें सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे तो क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, इसे करेंगे कैसे एक्स टू। अब देखो ये क्या है आपका, ये एक्स वन, ये एक्स टू सॉरी ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू, एक्स टू कितना है एट, तो एट माइनस टू का स्क्वायर, और ये ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर, इसे करेंगे तो सिक्स का स्क्वायर, इसे करेंगे माइनस फाइव का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स, ट्वेंटी फाइव कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सॉरी सिक्सटी वन, ये सिक्सटी वन आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम एक्स, तो x कैसे निकालेंगे, तो देखो x में ये आएगा तुम्हारा x1 वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, और अगर हम y के निकालेंगे तो y1 वन प्लस वाई टू अपॉन टू, एक्स कितना तुम्हारा 2 और 8, 2 8, और ये है आपका 20 25 और 20 और 2, तो 10 बाई टू फाइव बार, और 45 टू 22.5, तो कितना आ जाएगा 5 और 22.5, ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसके ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये वाला तुम्हारा इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकल आएगा। दो चीज़ें पूछी हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये दे रखे हैं, और डिवाइडेड बाई ये। अब देखो इसमें दे क्या रखा है हमको, हमको दे रखा है एक्स वन माइनस का थ्री, वाई वन टेन, एक्स टू क्या दे रखा है सिक्स, वाई टू क्या दे रखा है माइनस का एट, और साथ में हमें एम वन दे रखा है, सॉरी एम वन हमें निकालना है और एम टू भी निकालना है। हमको क्या दे रखा है, हमको ये एक्स दे रखा है और ये वाई दे रखा है, ये चीज़ें दे रखी है, तो क्या करेंगे वही वाला फॉर्मूला आएंगे, एक्स इजिकल टू एम टू एक्स वन एम वन एक्स टू, और ये एम वन प्लस एम टू, ये वाला। अब देखो x, x से दे रखा है माइनस का वन, वैल्यू पुट अप कर देंगे m2 पता नहीं है, और x1 कितना हमारा थ्री माइनस का थ्री, तो माइनस थ्री एम टू, इसे करेंगे तो x2 क्या है हमारा सिक्स, तो सिक्स एम वन, और यहाँ पे वही एम वन प्लस
एम टू, ठीक है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का एम वन माइनस का एम टू बराबर माइनस का थ्री एम वन सॉरी एम टू और प्लस सिक्स एम वन। इस तरह से निकालेंगे तो कैसे करेंगे इसको, तो अब इसको माइनस एम वन माइनस एम टू माइनस थ्री एम टू, ठीक है, और इसको इस तरीके से नहीं ऐसे करो, माइनस का एम वन इसको ले आओ तो माइनस का सिक्स एम वन और थ्री एम टू प्लस एम टू, इसे करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का सेवन एम वन और ये आ जाएगा माइनस का टू एम टू। अब एम वन अपॉन एम टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एम वन का तो आएगा टू और इसका सेवन, तो ये वाला टू और सेवन यानी कि अगर इसका आ जाएगा। अब हम चाहें तो दूसरा वाला भी निकाल सकते हैं, किसका, वाई के अकॉर्डिंग, तो वाई के अकॉर्डिंग भी यही आना चाहिए आपका, तो आंसर आपका सही है नहीं तो रॉन्ग है। तो देखो यार कैसे करेंगे इसको, इसको ज़रा मैं रफ कर देता हूँ, बस इसका ये लिख लेते हैं कि टू रेशियो सेवन आया इसका। देखो यार अब y का देखते हैं, तो y बराबर क्या, m2 y1 m1 y2 और m1 प्लस m2, ये 6, m2 क्या हमारा पता नहीं है और y1 10, तो 10 m2 और ये जो हमारा है माइनस का 8 m1 और ये है m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 m1 प्लस 6 m2 बराबर किसके, 10 m2 माइनस 8 m1 ये वाला। अब इसको देखेंगे तो ये 10 है सॉरी 6 m1 और ये प्लस 8 m1 और ये 10 m2 माइनस 6 m2 ये कितना 14 m1 और ये कितना हो जाएगा 4m2। अब m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा, यानी कि ये 14 और ये कितना 4, इसको इससे करेंगे तो 2 और 7, तो कितना आ गया हमारा 2 और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द रेशियो इन द विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट लेंगे हम वो लेंगे के रेशियो वन, ये किस पर है, ये एक्स एक्सिस पर, एक्स वाले पर है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, तो वही अगर हमें एक्स के कोऑर्डिनेट निकालना है तो एम टू एक्स वन एम वन एक्स टू और यहाँ पर क्या है एम वन प्लस एम टू, ठीक है। अब देखो यार एक्स के कोऑर्डिनेट निकलेंगे तो एम टू ये वाला यानी के सॉरी वन वन इंटू एक्स वन क्या है हमारा एक्स वन वन प्लस एम टू सॉरी एम वन के के इंटू और एक्स टू क्या है तुम्हारा माइनस का फोर और यहाँ के प्लस वन, तो ये आ जाएगा सॉल्व हो के वन माइनस फोर के और के प्लस वन, ये एक्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ऐसे हम निकालेंगे किसके, वाई के, कि वाई के निकालेंगे तो क्या आएगा इसमें, तो वही वन इंटू ठीक है एक्स वन, एक्स वन क्या सॉरी वाई वन, वाई वन क्या है हमारा माइनस का फाइव प्लस ऐसा करेंगे तो के वन इंटू सॉरी के इंटू और ये आ जाएगा आपका फाइव और ये क्या है के प्लस वन, तो इसको करेंगे माइनस का 5 प्लस 5k और ये क्या है k प्लस 1 इस तरीके से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे कि 1 माइनस 4k k प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो और क्रॉस मल्टीप्लाइड तो क्या जाएगा 1 4k बराबर 0 माइनस 4k बराबर माइनस 1 तो k बराबर ये
तो के बराबर क्या जाएगा, 1/4। आगे देखेंगे इसका, तो देखो ये तो निकल के आएगा, इसमें इसको देखेंगे तो -5 + 5k, और इसके ये 0 लगा देंगे तो इसमें ये क्रॉस, यानी कि कितना जाएगा 0, तो 5k + 5, तो k = 5/5, कितना आ जाएगा 1, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा ये 1:1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम इसमें के डिवीजन, ये कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, डिवीजन का निकालना हमें, तो क्या निकालेंगे जहाँ पर k है, तो k की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, हम इसी में रख रहे हैं 1 - 4 × 1, और नीचे 1 + 1, तो ये है आपका 1, 4 और ये 2, तो ये कितना आ जाएगा -3/2, और दूसरा जो है वो देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ये था, यानी कि -5 + 5 × 1 और 1 + 1, तो कितना आ जाएगा -5 + 5 और ये 2, तो यानी कि 0/2, तो 0 कितना आ गया ये, तो ये आ जाएगा -3/2 और 0, इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।